हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है सुमन देसी किचन में। आप देख सकते हैं कि ये चटपटी कैरी की सब्ज़ी है। अगर आप भी इस तरह की सब्ज़ी को घर पर बनाना चाहते हो तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना। कैरी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने ली है ये 5 कैरी। ये मैंने ताज़ा कैरी ली है और अभी ये मेरी कैरियाँ कच्ची हैं, तो इनको अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, आसानी से कट जाती हैं। अभी हम इनके बीज हैं वो बाहर निकाल देंगे और हम इनको अब काट लेते हैं। अगर आप इसके बड़े स्लाइस रखना चाहते हो तो बड़े कर सकते हो। मैंने इसके दो, एक कैरी के दो ही स्लाइस बनाए हैं। ये देखिए, मैं इसको दो ही टुकड़ों में काटूंगी। अभी मैंने सारी की सारी कैरियाँ वो काट ली हैं। अभी हम इसको बनाने के लिए चलते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में लिया मैंने सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें मैंने डाल दिया मेथी दाना, ये है जीरा और ये है सौंफ। इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी राई है वो भी ऐड कर दी है। इसके साथ ही मैंने कर दिया लहसुन का पेस्ट। और अभी हम डाल देंगे इसमें जो हमने कैरी काट ली थी, उन कैरियों को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इनको थोड़ा चला लेते हैं। अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक से हमारी कैरियाँ हैं वो जल्दी पकेंगी। इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। हम इनको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अभी देखिए, हमारी कैरी है वो थोड़ी पक गई है। इनमें अभी मैं मसाले ऐड करूँगी। मैंने डाल दिया इसमें हल्दी और इसमें ये डाल दिया मैंने धनिया। धनिया मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। इसके साथ ही लाल मिर्च पाउडर और ये मैंने लिया थोड़ा सा गरम मसाला। अभी हम सारे मसालों को अच्छे से इसमें मिला देते हैं। देखिए, अच्छे से हमारे मसाले हैं वो कैरी की सब्ज़ी में मिल चुके हैं। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से हलवाई जैसा मिक्सर लाना है, मैं हलवाई की जैसी बनानी है, तो मैं ये कसूरी मेथी डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा बन जाएगा। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। अभी हम कैरी को थोड़ा चटपटा और इसका खट्टापन कम करने के लिए मैंने डाल दिया इसमें गुड़। अभी गुड़ को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अभी देख सकते हो कि हमारी कैरियाँ वो अच्छे से पक गई हैं। अभी मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हरी धनिए की पत्तियाँ। अभी हम इनको मिला लेते हैं और इसके साथ ही गैस का फ्लेम वो बंद कर देते हैं। आप देख सकते हो कि हमारी कैरी की चटपटी सब्ज़ी बनके तैयार है। ये देखिए, कितनी अच्छी हमारी चटपटी सब्ज़ी कैरी की बनके तैयार हुई है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी लग रही है हमारी सब्ज़ी। ये देखिए, बिल्कुल चटपटी बनके तैयार हुई है। अभी हम इस सब्ज़ी को एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी कैरी की सब्ज़ी की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना।